गाजा ने फिर बनाया इसराइल के शहरों को रॉकेट से निशाना। इसराइल पर हमास के हमले में 700 से ज्यादा लोगों की मौत, मरने वालों में कई अमेरिकी नागरिक भी शामिल। हमले में 10 नेपाली छात्रों की भी मौत। युद्ध के तीसरे दिन भी इसराइल और हमास में भीषण जंग। इसराइल ने गाजा में कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इसराइल के हमले में गाजा में 400 से ज्यादा लोगों की मौत। इसराइल की वायुसेना ने फिर गाजा के शहरों पर की एयर स्ट्राइक, एक साथ 150 से ज्यादा ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया। फिलिस्तीन और इसराइल जंग में अमेरिका की एंट्री। इसराइल के करीब भूमध्य सागर में तैनात होंगे अमेरिकी जंगी जहाज। जल्द ही सैन्य मदद और राहत पैकेज का ऐलान कर सकता है अमेरिका। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बड़ा दावा। लेबनान की राजधानी बेरूत में एक हफ्ते पहले हुई थी इसराइल पर हमले की प्लानिंग, ईरान ने की थी मदद। हिजबुल्ला के हमले के बाद इसराइल ने किया जवाबी हमला। लेबनान में मौजूद आतंकी संगठन हिजबुल्ला के कई ठिकानों पर बरसाए बम। हमास का साथ देने के लिए हिजबुल्ला ने भी इसराइल पर दागे थे मोर्टार। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग के बीच 26 भारतीय इसराइल से सुरक्षित निकाले गए। मेघालय के सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। केएल राहुल 97 रन बनाकर नाबाद रहे। विराट कोहली ने शानदार 85 रन बनाए। केएल राहुल मैन ऑफ द मैच चुने गए। न्यूज 18 इंडिया व्हाट्सएप पर भी बना नंबर 1 चैनल। भारत में 1 करोड़ फॉलोअर का आंकड़ा छूने वाला पहला न्यूज चैनल बना न्यूज 18 इंडिया। जिनकी गूंज वो होंगे हमारे अमृत रत्न। 10 अक्टूबर सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।